हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिंह। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जरबेरा के साथ ये मैं वीडियो शुरू करती हूं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम परचूलाका की बात कर लें, तो ये डोरमेंसी में अब चला जाएगा कुछ ही दिनों में। और देखिए, मेरे अभी भी प्लांट में बहुत ढेर सारे फूल आ रहे हैं और बहुत ही अभी भी हेल्दी है, लेकिन ये डोरमेंसी पीरियड इनका आ चुका है या कुछ दिन में आ जाएगा, जैसा जो एरिया होगा, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो वहाँ पे आ चुका होगा। तो अब इसे हमें हटा देना है। तो इसके इतने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं और मेरे हैंगिंग बास्केट में लगे हुए थे, और लेकिन फिर भी मैं इसको अब सोच रही हूँ कि हटा दूँ। तो बस मुझे क्या करना है, आप इसको, मैं तो सीधा इसको उठाऊंगी और एक दूसरे कंटेनर में डाल दूंगी। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास कंटेनर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंटर सीजन में हमें कंटेनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पॉट की, क्योंकि ढेर सारे प्लांट्स हमारे पास होते हैं। तो इसको क्या करना है कि आप दूसरे कंटेनर में एज इट इज़ इसको उठा के आप डाल दो, और या तो फिर सिर्फ इसी में रहने दो और इसकी प्रूनिंग कर दो। अब दोनों काम में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी, दूसरे कंटेनर में इसको मैं ये कर लूँगी, रिपोर्टिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, मेरे पास ये एक मिट्टी का कंटेनर है और इसमें हमारे यहाँ दही आती है, तो इसमें मैं एक छोटा सा स्टोन डाल दूँगी ताकि होल से आराम से पानी सारा का सारा निकल जाए। और इसको सीधे मैं हैंगिंग प्लांटर से सीधा इसको निकाल के इसमें ऐसे ही डाल दूँगी, और अगर होगी तो थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी डाल दें, नहीं तो आप ऐसे ही इसको रहने दें और बस इसकी प्रूनिंग कर दूंगी। इससे हमारा क्या हो जाएगा कि प्लांट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसमें आप पूरे विंटर सीजन सिर्फ इसको पानी इसमें डालिए और इसको सीड एरिया में रखिए, और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहो तो थोड़ी बहुत हल्के फुल्के फर्टिलाइज़र आप चाहो तो दे सकते हो, पर इसमें कोई फर्टिलाइज़र की भी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो फूल आएंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइज़र की क्या ज़रूरत ही है। बस आप इसको उठाओ और सेड एरिया में रख के बस पूरे विंटर सीजन इसमें पानी दो और फिर आप कटिंग लगा लो। तो बस मैं यहाँ क्या करूँगी, इसके ऊपर से मैं प्रूनिंग कर लूँगी अच्छे से। तो इसके लिए आप एक साफ़ सुथरा नाइफ सीजर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे ले लो और उससे आप इसकी कटिंग कर लो। तो मैं तो इसकी कटिंग नहीं फेंकने वाली हूँ, मैं इसको लगा लूँगी दूसरे किसी भी कंटेनर में, पॉट में, जिसमें भी होगा, जो मेरे पास खाली पड़े होंगे, और अच्छी तरह से इसको आप प्रूनिंग कर लो। बस हमारा परचूलाका, और इसमें ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसके कटिंग्स बहुत अच्छे लग जाते हैं, और हमारे गार्डन में ये चार चांद लगाते हैं। आप इसके एक दो पॉट जो भी रखना है आप रख लो, और आप कलर भी लिख सकते हो या कलर कर दो। तो मैं इस पर या तो वाइट कलर कर दूँगी, मेरा वाइट कलर, मेरे पास ये वाइट, पिंक और ऑरेंज था, तो तीनों कलर को मैं कलर कर दूँगी और इसको रख लेना है हमें। किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।